24 घंटे के अंदर हमें एमिली बंटाई की साइट से किंग के डिस्ट्रैक्ट का रिप्लाई देखने को मिल गया है। कल रात में ही एमिली बंटाई ने ये रिप्लाई डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दिया, जिसका नाम है मीट दी इंस्टाग्राम यापर। आया तेरा बू एमिवे, इतना क्यों पका रहा सीन में लाया तू माइक्रोवेव मेरे जैसे रैपर को क्या। सो कल मैंने जब किंग के डिस्ट्रैक को रिव्यू किया था तो वहां पे मैंने बताया था कि कैसे किंग का जो डिस्ट्रैक है वो केंड्रिक लमार से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, और पर्टिकुलरली मैंने मीट दी ग्राम्स को कॉल आउट किया था कि उस ट्रैक से ये जो किंग का ट्रैक है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहा है। सो एमिवे बंटाई ने उस चीज को अपने डिस्ट्रैक में तो कॉल आउट किया ही है, उसके साथ साथ मीट दी ग्राम्स का नाम भी इस डिस्ट्रैक में यूज किया है। मीट दी ग्राम्स इंस्पायर्ड होकर इस डिस्ट्रैक्ट का नाम एमवी ने रखा है मीट दी इंस्टाग्राम यापर, और इंस्टाग्राम रैपर उन्होंने पिछले डिस्ट्रैक्ट में ऑलरेडी किंग को बुला रखा था। इसके साथ साथ अगर तुम इस डिस्ट्रैक्ट का कवर आर्ट देखोगे तो इसमें जो पिक्चर लगा हुआ है एक्चुअली ये पिक्चर किंग के रीसेंट इंस्टाग्राम प्रोफाइल का है, जिस प्रोफाइल का नाम है समटाइम्स आई फील रोको, जिसको किंग ने स्पेसिफिकली डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करने के लिए ही बनाया था, और जिससे हमें कंबाइंड पोस्ट देखने को मिला था जहां पे किंग ने अपना डिस्ट्रैक्ट अपलोड किया था। सो किंग के लास्ट डिस्ट्रैक्ट के जैसे एमिवे का ये डिस्ट्रैक्ट भी 7 मिनट लंबा है। एमिवे बंटाई का डिस्ट्रैक्ट है तो भाई काउंटर में कमी तो रहेगी नहीं। एमिवे बंटाई के साइड से किंग के लगाए गए जो भी सीरियस एलिगेशन थे, लगभग सारे एलिगेशन का काउंटर हमें देखने को मिला है। एमिवे ने किंग को मिमिक किया है और किंग के लास्ट ट्रैक के फ्लो को यूज करके ही किंग को डिस किया है। उसके साथ साथ रफ्तार और कृष्णा के ऊपर भी शॉट्स है, डिवाइन के लिए शाउट आउट है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या एमिवे बंटाई के इस डिस्ट्रैक्ट ने अब एमिवे को इस बीफ में एक अपर हैंड दिया है या फिर नहीं, क्या एमिवे इस डिस्ट्रैक्ट से इस बीफ को डोमिनेट कर रहा है या फिर नहीं। सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे इस पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू, तुम्हें देखने को मिल जाएगा पूरे ट्रैक का बार टू बार ब्रेकडाउन, और वीडियो के लास्ट में तुम्हें जानने को मिल जाएगा मुझे ये ओवरऑल डिस्ट्रैक्ट कैसा लगा। लेट्स बिगिन। ओके, सो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे तुम लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हो, फॉलो करते हो, ठीक है, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूँ, वहां पे रेगुलर रील्स आ रही है, ठीक है, एंड इवन वहां के ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी मैं अपना जो पहला इंप्रेशन होता है, जैसे डिस्ट्रैक्ट आता है मुझे डिस्ट्रैक्ट कैसा लगा वो भी मैं शेयर करता हूँ, जो कि ब्रॉडकास्ट चैनल पे ही सिर्फ शेयर करता हूँ मैं, ठीक है। सो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ब्रॉडकास्ट चैनल पे क्या चल रहा है और रील्स में क्या अपलोड कर रहा हूँ, क्या कॉन्टेंट इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सो तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जरूर से फॉलो कर लेना। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें एग्जैक्टली वही लोफाई वाइब देखने को मिलती है जो किंग के डिस्ट्रैक्ट में देखने को मिली थी। अरे बाबू तू केंड्रिक लमार छापेगा और किसको समझेगा नहीं सोचा। सो अगर तुम लोग एमिवे बंटाई को 4-5 साल से फॉलो कर रहे हो और एमिवे की अगर बीफ को तुम लोगों ने फॉलो किया है, तो एमिवे बंटाई अपने ओपोनेंट को मिमिक करते ही करते हैं, और एग्जैक्टली उन्होंने यहां पे भी वही किया है। किंग के डिस्ट्रैक का रिप्लाई उसी वाइब में, उसी फ्लो में हमें एमिवे के साइड से देखने को मिला है। मीटग्राम्स में जैसा डियर एडोनिस या फिर डियर डियर करके जैसा बात किया उसने, सेम। ट्रैक स्टार्ट होता है एमिवे की एडलिप्स के साथ, जहां पे एमिवे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने केंड्रिक लमार के ट्रैक मीट दी ग्राम्स को कॉपी किया है। जैसे केंड्रिक लमार ने मीट दी ग्राम्स में डियर एडोनिस करके बात किया था, वैसे ही मेरे प्यारे एमिवे करके अपने डिस ट्रैक में किंग ने बात किया है। कुछ करना था मैंने किया, बाकी तेरा कह रहे केंड्रिक। उसके बाद वो एनएफ वाले एलिगेशन को काउंटर करते हैं यहाँ पे एमवी बंटाई, और अभी सब एडलिप्स में ही चल रहा है, ट्रैक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, कि मुझे एनएफ के जैसा बहुत टाइम से कुछ करना था इसलिए मैंने वो अपना प्रोजेक्ट किया। और फिर एमिवे केंड्रिक लमार को भी मेंशन करते हैं और बोलते हैं तू केंड्रिक बनने की कोशिश कर रहा है और मेरे ऊपर कॉपी के एलिगेशन लगा रहा है। केंड्रिक बनने की कोशिश तू कर रहा है और मेरे पे डाल रहा है, बट कोई नहीं अब मैं बनूंगा ना। और फिर एमिवे बोलते हैं कोई नहीं अब मैं बनूंगा तेरे लिए, मतलब मैं अब तेरे लिए केंड्रिक लमार बनूंगा। सो बेसिकली यहां पे एमिवे बंटाई अपने आप को केंड्रिक लमार के प्लेस में रख रहे हैं और किंग को ड्रेक बताया जा रहा है, और जैसे केंड्रिक लमार ने मीट दी ग्राम्स निकाला था वैसे ही एमिवे ने किंग के लिए, एमिवे के सेंस में ड्रेक के लिए मीट दी इंस्टाग्राम या पर निकाला है। देखा जाए तो उन्होंने रिवर्स कर दिया है एमिवे बंटाई ने, क्योंकि किंग जो है वो अपने आप को केंड्रिक रेफर कर रहे थे अपने डिस्ट्रैक में, और काइंड ऑफ यहां पे एमिवे ने उसे पलट के रख दिया है। और फिर इसके बाद ट्रैक स्टार्ट होता है, एमिवे के साइड से हमें वर्स सुनने को मिलता है। आया तेरा बू एमिवे, इतना क्यों पका रहा सीन में लाया तू माइक्रोवेव। और यहाँ पे एमिवे किंग के डिस्ट्रैक के हुक को मिमिक करते हैं, उसका फ्लो यूज करते हुए किंग पे शॉट्स लेते हैं। आया तेरा अब्बू एमिवे, सो एमिवे अपने आप को किंग का फादर रेफर कर रहे हैं, और जब अब्बू बोला जाता है तो तुम बैकग्राउंड में सुनोगे पापा सुनाई देगा तुम लोग को, एग्जैक्टली वैसा ही साउंड कर रहा है वो जैसा हमें कृष्णा और एमिवे के बीफ में सुनने को मिला था।
ठीक है, जहां पे दोनों आर्टिस्ट कृष्णा और एमी वे एक दूसरे को पापा रेफर कर रहे थे, अगले का फादर रेफर कर रहे थे। तो एग्जैक्टली वही कॉन्टेक्स्ट यहां पे एमी वे वनटाइम ने किंग के लिए भी यूज किया है। इतना क्यों पकारा सीन में लाया तू माइक्रोवेव, इतना क्यों पकारा सीन में लाया तू माइक्रोवेव। सो यहां पे डबल एंटेंट्री यूज किया है एमी वे वनटाइम ने। पहले लेयर में अगर हम जाए तो इतना क्यों पका रहा, मतलब यहाँ पे एमी वे बंटाई जो है वो किंग के डिस्ट्रैक को रेफर कर रहे हैं कि तुम्हारा डिस्ट्रैक बहुत ही पकाऊ था, बहुत ही बोरिंग था, और तुम्हारे उस डिस्ट्रैक ने कुछ भी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया सीन में, उसने सिर्फ एक माइक्रोवेव लाया है। तुम्हारा जो डिस्ट्रैक्ट था वो कोई भी मेजर वेव नहीं लेके आ पाया। अगर हम इस लाइन के सेकंड लेयर पे जाए तो तू इतना क्यों पका रहा, पकाना मतलब खाना पकाना, लाया जैसे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में खाना पकाया जाता है, यू गेट इट। मेरे जैसे रैपर को क्या खाएगा सीरियल किलर, इस बर्तन को गर्दन से पकड़ के छुको दूंगा एनी डे। तो यहाँ पे एमी वे ने किंग के डिस्ट्रैक्ट के बार का काउंटर किया है। किंग ने अपने डिस्ट्रैक्ट में बोला था कि मैं तुम्हारे जैसा रैपर खा सकता हूँ एनी डे। मेरे प्यारे एमी वे, मैं तेरे जैसा रैपर खा सकता हूँ एनी डे। तो एमी वे काउंटर कर रहे हैं कि तू क्या मेरे जैसे रैपर को खाएगा, मैं तुझे गर्दन पकड़ के चौको दे दूंगा। चौको देने का मतलब लिटरल मीनिंग तो तुम्हें पता ही होगा, बट इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि तू बीफ में मुझसे जीत नहीं पाएगा। आई विल डिस्ट्रॉय यू, आई विल डिमोलिश यू इन दिस रैप बीफ रैप गेम। भैया भी बोले एमी वे, मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, पर एनीवे सीन में ये पहली बार। तो यहां पे एमी वे ने रफ्तार के ऊपर शॉट्स लिया है, रफ्तार को डिस किया। अब तुम सोचोगे कि रफ्तार को इस बीफ में क्यों लपेटा गया। पिछले डिस्ट्रैक्ट को जब मैं ब्रेकडाउन कर रहा था तो वहां पे मैंने एक लाइन, लास्ट वाली लाइन मिस कर दी थी, जहां पे किंग ने रफ्तार के डिस्ट्रैक्ट शेख चिली का एक बार कोट किया था। ये खुद की मुड़ के चाटे कहता, दुनिया इसको पूछती ये सच है, इसको मार्केट में कोई कुतिया भी नहीं पूछती। ईगो है पहाड़ पे, ये खुद चने के झाड़ पे, ये खुद की मुड़ के चाटे बोले, दुनिया मुझको पूछती। सो किंग ने रफ्तार को इस बीफ में घसीटा है, तो अब एमी वे बंटाई भी रफ्तार को अच्छे से घसीट रहे बीफ में। भैया भी बोले एमी वे, मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा। सो यहाँ पे रफ्तार को रेफर किया जा रहा है। अगर तुम्हें याद हो तो रफ्तार का एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ था एक इवेंट से, जहां पे रफ्तार थे, एमी वे थे, कृष्णा थे, हरजस थे और बहुत सारे आर्टिस्ट थे। वहां पे रफ्तार ने बोला था कि एमी वे का वो सीन चेंज कर देंगे, तो उसी को यहाँ पे एमी वे ने रेफर किया है। सीन में ये पहली बार हो रहा नहीं है, किसी पॉप आर्टिस्ट को हिप हॉप में लेके आया एमी वे। एंड अगेन यहाँ पे रफ्तार को रेफर करते हुए एमी वे बोलते कि ये पहली बार सीन में नहीं हो रहा है, किसी पॉप आर्टिस्ट को हिप हॉप में लेके आया एमी वे। तो यहाँ पे एमी वे बेसिकली रफ्तार और किंग को रेफर कर रहे हैं। सो एमी वे का ये बोलना है कि पहले उन्होंने रफ्तार, जो कि एक पॉप आर्टिस्ट थे अकॉर्डिंग टू एमी वे, उनको अपने बीफ की वजह से हिप हॉप में लाया, और अभी वो किंग को, जो कि एमी वे के अकॉर्डिंग पॉप आर्टिस्ट है, उनको हिप हॉप में ला रहे। समझ में आ गया। ये राजा नहीं है झुंड में आ रहे होर से, ये ताकि इन्हें चेक करूं चाहिए बस अटेंशन। सो अगेन यहाँ पे किंग को रेफर किया जा रहा है। सो किंग का हिंदी ट्रांसलेशन होता है राजा, और किंग अपने आप को राजा, एग्जैक्टली वर्ड राजा यूज करके भी बुलाते हैं। तो एमी वे बोल रहे हैं कि ये राजा नहीं है, झुंड में आ रहे होर्स है। और झुंड में एमी वे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किंग और एमसी स्टैन दोनों ने मिलके एमी वे को डिस किया था इन द ट्रैक एफ व्हाट दे से। उसके साथ साथ किंग की लाइंस कलमकार के साथ बहुत अच्छी है, कर्मा के साथ है, रफ्तार के साथ है, विन बादशाह के साथ है। तो मे बी इस वजह से बोला जा रहा है कि झुंड बना के एमी वे के ऊपर अटैक किया जा रहा है, और किंग जो है वो एमी वे के अपोजिट अलाइंस से बिलोंग करते हैं। साथ में एमी वे किंग को होर बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि मैं इन्हें चेक करूं और इन्हें बस अटेंशन चाहिए। इस वजह से ये लोग एमी वे को पोक कर रहे हैं, एमी वे को डिस कर रहे हैं। 3-4 BHK खरीद के बाबू यहाँ पे सोच रहा है, खरीद लिया मेंशन। अगेन यहाँ पे किंग के डिस्ट्रैक्ट का काउंटर हमें देखने को मिला है। सो जैसे किंग ने बोला था कि उनके पास मेंशन है, यू हैव सम रैपिंग के लिए पैशन या मुझसे बड़ा मेंशन। तो उसी को काउंटर कर रहे हैं एमीवे और बोल रहे हैं कि 3-4 BHK फ्लैट खरीद के सोच रहा है कि इसने मेंशन खरीद लिया है। वैसे मेंशन बनाड़ा लालो नावला, मैं चिकी दूंगा तेको, हो रहा है इतना क्यों उतावला है। उसके अगले बार में एमीवे बोलते हैं कि मैंने खुद का मेंशन बना डाला लोनावला में। मेबी एमीवे इज रेफरिंग टू हिज न्यू बॉट मेंशन। चिकी दूंगा तेरे को, हो रहा इतना क्यों उतावला है। सो लोनावला की चिकी जो है वो बहुत ही फेमस है, तो इसलिए लोनावला के साथ चिकी को यहाँ पे एमीवे बंटाई ने रेफर किया है। उसके साथ साथ चिकी का एक और भी मीनिंग है, चिकी जो है वो चौको के जैसा भी साउंड कर रहा है, तो काइंड ऑफ उस वे में भी एमीवे यहाँ पे किंग को बोल रहे हैं। बाबू कल्पना में उड़ने लगा बावला है, दू में स्पेस बार तू ना कल्पना चावला। दिस वन इज अ गुड बार, बाबू कल्पना में उड़ने लगा बावला है, दू में स्पेस बार तू ना कल्पना चावला है। मतलब किंग जो है वो कल्पना में उड़ रहे हैं, तो एमीवे के साइड से हमें स्पेस बार देखने को मिलेगा। एंड कल्पना चावला जो कि एक एस्ट्रोनॉट थी एंड सी इज रिलेटेड टू स्पेस,
यू गेट इट। कौन से ख्यालों में डूबा हुआ बाबू छल बाजू ए राजू तू राजा नहीं अच्छा टू। कौन से ख्यालों में डूबा हुआ बाबू, सो बाबू पता है तुम्हें कौन बुलाता है किंग को, रफ्तार भाई बुलाते हैं। सो वही पॉपुलर डायलॉग, रफ्तार भाई ने एक बात बोली थी सुन बाबू, तो इस वजह से यहाँ पे किंग को बाबू बुलाया जा रहा है। और एनीवे बंटाई, इवन बंटाई रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट की आदत है कि जब भी उनकी किसी अपोनेंट के साथ बीफ होती है ना, तो वो अपने अपोनेंट को एक निक नेम दे देते हैं। तो इस बीफ में ऐसा लग रहा है ना कि वो निक नेम एनीवे बंटाई ने राजू दे रखा है, क्योंकि राजू जो नेम है ना वो स्टार्टिंग से एनीवे बंटाई यूज करते हुए आ रहे हैं किंग के लिए। वैसे देखा जाए तो सिर्फ राजू नहीं है, और भी नाम है चौको, रोको, बाबू एक्सेट्रा। पूरे गाने में तू एक ही जगह स्पिट किया, याद कर याद दिलाओ जब तू किया। This one is really good. जब मैं ये डिस्ट्रैक्ट सुन रहा था ना, तो इस पॉइंट पे मुझे ऐसा फील हुआ था कि एनीवे इस डिस्ट्रैक्ट में किंग को खाने वाले हैं। जब ये बार स्पेसिफिक बार आया था, मुझे लगा था कि एनीवे का ए गेम हमें अब देखने को मिलने वाला है। सो बेसिकली एनीवे बोल रहे हैं कि तूने पूरे गाने में एक जगह पे ही स्पिट किया था, जहां पे तूने लिटरली स्पिट किया था। Stop acting like you have something to say, dangerous. ये बच्चों जैसे कैप्शन। So, अपने डिस्ट्रैक्ट में किंग जो है वो थूकने की एडलिप्स या फिर साउंड इफेक्ट यूज करते हैं, उसको यहाँ पे रेफर किया गया है कि तूने जब वहां पे लिटरली थूका था, बस वहीं पे तूने स्पिट किया था, बाकी पूरे डिस्ट्रैक्ट में तूने कोई भी बार स्पिट नहीं किया है। रियली रियली गुड बार। हक से मैं ये नंबर वन इंडिपेंडेंट मदरफकर, तूने मान लिया मैं ही तेरा बाप हूं। सो अगेन यहाँ पे एनीवे किंग के डिस्ट्रैक्ट का काउंटर कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हक से मैं इंडिपेंडेंट हूँ, नंबर वन रैपर हूँ, और ये बात तूने अपने डिस्ट्रैक्ट में भी मान ली कि मैं ही तेरा बाप। तूने बोला कि I'm not the only one motherfucker, और बाकी तेरे बाप किधर जाद हूँ। So anyway, यहाँ पे इसलिए ऐसा बोल रहे क्योंकि किंग ने अपने डिस्ट्रैक्ट में बोला था I am not the only one MF. So as a slang वहाँ पे किंग ने यूज किया था, बट यहाँ पे एनीवे ने उसे लिटरल सेंस में यूज किया है और बोल रहे तूने खुद अपने आप को MF बोला था, और इस वजह से तेरा असली बाप कौन है वो शायद तुझे पता नहीं है, तो जाके अपने असली बाप को ढूंढ। दिस इज अगेन अ काउंटर ऑफ किंग्स डिस्ट्रैक्ट, जहां पे किंग ने एग्जैक्टली ये बाप वाला बार यूज किया था। और साथ में अगेन अगर तुम यहाँ पे एडलिप्स में ध्यान दो तो जा ढूंढ के बाद एनीवे करते हैं दुन 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 दुन, जो मीम था पॉपुलर मीम, अगेन उसको भी यहाँ पे रेफर किया गया है। और अगर तुम्हें पता हो तो किंग ने जब अपना ट्रैक इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था तो वहां पे उन्होंने चिन टपाक डुम डुम जो भी है, जो भी करंट मीम चल रहा है, उसको रेफर किया था। सो काइंड ऑफ मीम गेम को भी एनीवे ने यहाँ पे मैच करने की कोशिश करी है। इतना स्लो ट्रिप बनाया कौन सा गर्दा फूका था रे, बहुत हल्का है रे बाबा। और फिर यहाँ पे हमें एक और एडलिप सुनने को मिलती है, दिस वन वाज रियली फनी। एनीवे बोलते हैं बहुत ही फनी वॉइस में बोलते हैं, और मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी ना कि यहाँ पे एनीवे बंटाई बहुत ही काम नजर आ रहे हैं, वो एग्रेसिव नहीं है, वो किंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, कामनेस नजर आ रही है, जो एग्जैक्टली मैंने किंग के डिस्ट्रैक्ट में भी फील किया था और अब हमें एनीवे के डिस्ट्रैक्ट में भी देखने को मिल रहा है। अब लग रहा है एनीवे जो है ना एक डोमिनेटिंग नेचर के साथ इस डिस्ट्रैक्ट में आया है, वो फील हो रही है इस डिस्ट्रैक्ट के साथ। सो एनीवे यहाँ पे बोल रहे हैं कितना स्लो ट्रिप बनाया हुआ है, कौन सा गर्दा तुमने फूका है, कौन सा माल फूका है, कितना स्लो गाना बनाया है तुमने, काइंड ऑफ किंग को यहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है। बिलीव से खाली डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, आज तक ना लिया मैंने एसडी का डील बाबू। और फिर इसके बाद मी मैक्स के साइड से हमें बीट स्विच देखने को मिलता है और ट्रैक का जो टोन है वो थोड़ा और भी ज्यादा एग्रेसिव साइड में चला जाता है। सो एनीवे यहाँ पे किंग के लगाए गए वन ऑफ द बिगेस्ट एलिगेशन को काउंटर करते हैं। सो किंग ने ये बताया था कि एनीवे के गाने जो है वो बिलीव डिस्ट्रीब्यूट करता है। निकल रहा क्रेडिट कार्ड, अगर लोन लेना है तो आजा तू बिलीव से बाहर, मिक्स काफी गंदा। एंड इवन अपने पॉडकास्ट में भी किंग ने ये बताया था एनीवे जो है वो 100% इंडिपेंडेंट नहीं है। और साथ में किंग ने एएसडी डील के एलिगेशन भी एनीवे के ऊपर लगाए थे। और इतना है तो एसडी तुड़वाले लेबल खोके से ऊपर का नहीं बड़ा, विल बी यू हैंडसम। तो उसी को काउंटर करते हुए वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कराता हूँ बिलीव से और आज तक एसडी का डील मैंने नहीं लिया है बिलीव म्यूजिक से। एसडी का मतलब होता है डिजिटल सर्वेलेंस डिपॉजिट, मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, पॉज करके पढ़ सकते हैं। जिसने दिया तुझे झूठा ये खबर, खुद का खोदा तू कब्र, सबके सामने बन गया। यहाँ पे मैं बोल रही कि जिसने भी तुझे ये खबर दिया है ये झूठा खबर है और तूने इस खबर को अपने डिस्ट्रैक्ट में डाल के अपना ही कबर खोद लिया है और सबके सामने मामू बन गया है, तुम्हारा फूल बन गया है सबके सामने। और साथ में एनीवे ने इस एलिगेशन को प्रूफ के साथ काउंटर किया है। कल ही हमें बिलीव के साइड से ऑफिशियल पेज में ये स्टोरी देखने को मिली, बिलीव ने अपने साइड से क्लियर कर दिया कि एनीवे 100% इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। तो ये किंग का एलिगेशन धरा का धरा रह गया, मतलब एनीवे ने यहाँ पे साफ तौर पर
डिसप्रूव कर दिया किंग को। अटली जूते तेरे लूज होंगे, मुझे मेरा 8 नंबर चाटू, यू वांट फिट इन माय शू। अगेन यहां पे हमें किंग के बार का काउंटर देखने को मिला है। सो किंग ने अपने डिस्ट्रैक्ट में बोला था कि मेरा जो जूता है वो 9.5 नंबर का है और तुम्हारे पैर में वो लूज आएगा। 9.5 नंबर का जूता मेरा तेरे आएगा लूज, मैं वो नहीं जो एल्बम के कवर में बनते। तो यहां पे एमवी ने इसे बहुत ही क्लेवरली काउंटर किया है कि मेरा जूता 8 नंबर का है और जो मेरा जूता है वो तुम्हें छोटा आएगा, बट यू स्टिल वोंट फिट इन माय शूज। फिट इन माय शूज का मतलब होता है समथिंग दैट इज एप्रोप्रिएट और सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। तो किंग बेसिकली अपने डिस्ट्रैक्ट में बोल रहे थे कि जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते, तो उसे उन्होंने रिवर्स करते हुए एमवी बेसिकली यही चीज बोल रहे हैं कि मेरा जूता भी तुम्हें फिट नहीं आएगा, इसलिए मैं जो कर सकता हूँ वो तुम भी नहीं कर सकते। ये बीफ इधर हार गया तू, झूठा एलिगेशन एएसटी का कर दूंगा मैं प्रूफ। ये बीफ इधर हार गया तू, झूठा एलिगेशन एएसटी का कर दूंगा मैं प्रूफ कि तुमने जो एलिगेशन लगाए थे वो एएसटी का वो झूठा था। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि बिलीव म्यूजिक के साइड से ऑलरेडी हमें स्टोरी देखने को मिल गया है, तो काइंड ऑफ ये एमवी ने प्रूव कर दिया है। सो किंग का जब मैंने लास्ट डिस्ट्रैक्ट ब्रेकडाउन किया था तो काइंड ऑफ वहां पे मैंने मिसअंडरस्टूड कर दिया है। मुझे ऐसा लगा था कि एएसटी की जो बातें हो रही है वो किंग बंटा रिकॉर्ड्स के लिए कर रहे हैं, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि वो बिलीव म्यूजिक के लिए कर रहे थे क्योंकि एमवी बंटाई ने उसी वे में इसे काउंटर किया है। अब किंग का डिस्ट्रैक्ट आएगा तो हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि वो किस वे में एएसटी को रेफर कर रहे थे। और साथ में यहां पे एडलिस्ट भी हमें सुनने को मिलता है खत्म, एंड खत्म इज ऑल्सो अ डिस्ट्रैक्ट बाय एमवी बंटाई जो दोनों रफ्तार के लिए निकाला था। सो अपने डिस्ट्रैक्ट में किंग ने अपने ट्रैक मान मेरी जान को रेफर किया था, तुम्हें एमवी बंटाई के डिस्ट्रैक्ट का भी यहाँ पे नेम ड्रॉप देखने को मिलेगा। तेरी एल्बम पे पैसे लगा दिए बिचारे, एल्बम हुआ फ्लॉप कैसे करेगा रिकू। सो अगेन यहाँ पे किंग के बार का काउंटर देखने को मिलता है। किंग ने अपने डिस्ट्रैक्ट में बोला था कि अभी तक कुछ भी रिकूप नहीं हुआ है, अभी तक जितने भी पैसे खर्चे हैं वो सब फिजूल खर्चे हैं। तो उसे काउंटर करते हुए एमवी बोलते हैं कि तुमने भी जो पैसे अपने एल्बम पे लगा रखे हैं वो पैसे लगा के कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि तुम्हारा एल्बम मोनोपोली मूव्स के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे वो फ्लॉप हो गया है। जब पॉप वाले गाने बना हिप हॉप में आके ठंडा पड़ गया तू नहीं दिखेगा तू। जब पॉप वाले गाने बना पॉप सॉन्ग बनाओ क्योंकि हिप हॉप में आके तू ठंडा पड़ गया है और तू कूल नहीं लग रहा है हिप हॉप में आके, सिंपल बात समझ में आ गया होगा। कूल बिलीव के तरफ मार्च कर ले, अच्छा डील मिलेगा, तू कमाया नहीं बना रहा अप्रैल फूल। बिलीव की तरफ मार्च कर ले, तुझे अच्छा डील मिलेगा। सो एमवी बंटाई की डिस्ट्रीब्यूशन करेंटली बिलीव म्यूजिक करती है, तो तू वार्नर म्यूजिक को छोड़ करके बिलीव की तरफ मार्च कर ले क्योंकि वहां पे तुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो शायद बिलीव से डिस्ट्रीब्यूशन करा के तू प्रॉफिट कमा पाएगा। तू कमाया नहीं बना रहा अप्रैल फूल, अगेन जो मैंने बात बोली कि तू जो करंट लेवल में है वहां से तू कमा नहीं रहा है और लोगों को तू फूल बना रहा है, अप्रैल फुल बना रहा है। एंड अगेन मार्च कर ले, अप्रैल मार्च अप्रैल, और मार्च अप्रैल को इसलिए यहां पे यूज किया गया है क्योंकि इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होता है 31st मार्च और 1st अप्रैल के बीच में। तो यहाँ पे एमवी ने बहुत ही स्मार्टली पैसों के बारे में बात कर लिया, किंग के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात कर लिया, इसलिए जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस मंथ का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। रियली रियली गुड। रैपर वाली कोई बात नहीं, कमाया तूने झाट नहीं, नौ फिगर की तू बात करे झाटू तुझे मैं आठ नहीं। अगेन किंग अपने ट्रैक में 9 फिगर की बात कर रहे थे कि वो 9 फिगर्स में कमाते हैं, ठीक है। तो एमवी उसी को काउंटर कर रहे और बोल रहे कि तुम्हें कुछ आर्ट नहीं है, कोई रैपर वाली तुम में बात नहीं है और 9 फिगर कमाने की तू बात करता है। और यहाँ पे एमवी विस्पर करते हैं, अगेन ये भी एक काउंटर है, ये तेरी गलत फहमी के तू खा सकता है करियर सोलो मता, तुझे लड़कों की जरूरत है। किंग ने भी अपने ट्रैक में विस्पर किया था, तो उसी को विस्पर करके यहाँ पे एमवी काउंटर करते हैं कि जेठालाल तेरे में कोई आर्ट नहीं है। जेठालाल क्यों बोला, क्योंकि भाई वो वर्ड नहीं यूज कर सकता। जीरो स्केल से लेके बैठा 9 फिगर का पूल, 9 फिगर को मैं 9 बार डबल करने वाला टू। अगेन यहाँ पे किंग के बार को काउंटर किया जा रहा है, मैं जीरो स्केल से बैठा लेकर 9 फिगर्स का पूल, और एमयू बोल रहे कि तू जीरो स्केल से लेके बैठा 9 फिगर का पूल, और एमयू बोल रहे कि मैं 9 फिगर को 9 बार डबल करने वाला टूल हूँ, मैं वैसा करता हूँ। वो नहीं है जो एल्बम के कवर में बनता राजा, बम्बई का ताजे सर पे सीन से करो तुझे टाटा। यहाँ पे अगेन एमवी किंग के ट्रैक को काउंटर कर रहे हैं। सो किंग ने KOTS की कवर आर्ट को काउंटर किया था और बताया था कि कागज का ताज पहन के एमवी बंटाई अपने आप को राजा समझ रहे, किंग समझ रहे। तो यहाँ पे एमवी ने भी किंग के कवर को रेफर किया है कि भाई तू भी तो अपने गानों के कवर आर्ट में राजा बनता है। And this one is really, really good bar. बहुत सारे लोगों ने ये बार मिस किया होगा। Anyway, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुंबई का ताज है मेरे सर पे और इसलिए मैं सीन से तुझे टाटा करता हूँ। अगर हम इस बार के सेकंड लेयर पे आ जाए तो यहाँ पे ताज होटल को रेफर किया गया है। बॉम्बे में ताज होटल है जो ओन करती है टाटा ग्रुप्स, इसलिए ताज।
एंड टाटा रियली रियली गुड डबल एंटेंट। मत सीखा मेरी बीकेपी को क्या नहीं है आता, लिखना तो दूर तू इंग्लिश अच्छी बोल भी नहीं पाता। अगेन बीकेपी का काउंटर, ये तो भैया आना ही आना था भाई। एमवीवे के फैंस को कोई कुछ बोल दे और एमवीवे काउंटर ना करे, दिस इज इम्पॉसिबल। सो किंग ने बोला था बीकेपी को लिखना नहीं आता है, सो एमवीवे काउंटर करते कि ये मत बोल बीकेपी को लिखना नहीं आता है, तुझे तो बोलना भी नहीं आता है, रेफरिंग टू वो रिप्रेजेंट वाला। और रिसेंट इंटरव्यू में भी उन्होंने कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया था, तो उसे रेफर कर रहे हैं। आशिरा लेवल 4 पर तू झुंड में भिड़ने आ रहा, मुझसे ये कैरेक्टर लग रहे बुझ दे। इसके बाद एमवीवे के साइड से हमें अगेन एक काउंटर देखने को मिलता है। किंग ने ये मेंशन किया था कि वो हसीरा लेवल 4 पे है, रेफरिंग टू डीमन स्लेयर। सो एक्चुअली डीमन स्लेयर में मल्टीपल हसीरा एग्जिस्ट करते हैं, तो एमवीवे उसे रेफर करके बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को हसीरा बुला रहे हो, वो तो झुंड में भिड़ने आते हैं, जैसे तुम झुंड में मुझसे भिड़ रहे हो। नहीं आसान इस मुजान को हराना, सोलो ग्रुप में भी आ जा लड़ू तो भी काफी मुश्किल। नहीं आसान है इस मुजान को हराना। सो मुजान अगेन इज अ कैरेक्टर फ्रॉम डीमन स्लेयर, जो कि मोस्टली सोलो फाइट्स में इन्वॉल्व होता है, तो उसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि मैं सोलो लड़ाई करता हूं और अगर तुम लोग ग्रुप में भी आकर अटैक करोगे तो मुझे हराना काफी मुश्किल है, रेफरिंग हिमसेल्फ टू मुजान। इस जाली को मैं पार करूं, मैं ओजी पीटर पार करूं, हिट देते आ रहा तेरे जैसे। और फिर इसके बाद एमवी वनटाई किंग के फ्लो को एग्जैक्टली फ्लो को मिमिक करते हैं। मैं जितना बंटी मार करूं, मैं सेंटर पॉइंट पे मार करूं, मैं सीधा अंदर मार करूं, मैं मार्किंग करके वार करूं, इस जाली को मैं बाहर करूं, मैं ओजी पीटर पार्कर हूं। जाली मतलब जो नकली होते हैं, फेक होते हैं, उनको मैं बाहर करूं और जाली को मैं बाहर करूं, जाली मतलब स्पाइडर की जाली को मैं बाहर करूं, जैसे मैं ओजी पीटर पार्कर हूं, रेफरिंग टू दी ओजी पीटर पार्कर टोबी मैग्वायर। फिर देते आ रहा तेरे जैसे मच्छरों को मार करूं, कूदूं लंबा मैं पार करूं, लिख रहा भर भेजा पार करूं बांध। हिट देते आ रहा तेरे जैसे मच्छरों को मार करूं, हिट जिसे हम मच्छर को मारते हैं, सो और साथ में हिट देते आ रहा, हिट गाने देते आ रहा, और तेरे जैसे मच्छर, किंग को यहां पे मच्छर रेफर किया जा रहा है, मच्छर को मार करूं, जैसे हिट मच्छर को मारता है और हिट ट्रैक से वो किंग जैसे मच्छर को मार रहा है। कूदू लंबा मैं पार्कोर हूं, तो पार्कोर में जैसे जो एथलीट होते हैं या फिर जो बंदा पार्कोर करता है वो लंबा कूदता है। एंड दिस वन इज अगेन डबल एंटेंट्री, लिख रहा बार भेजा पार करूं, मतलब जो मेरे बार है वो तुम्हारे भेजे के पार जाएंगे, ऊपर से जाएंगे, और भेजा पार करूं, पार्कर पीटर पार्कर रेफरिंग टू स्पाइडरमैन टोबी मैग्वायर ओजी, अगेन स्पाइडरमैन की बात हो रही है। एंड अगेन अगर तुम इस ट्रैक का कवर आर्ट देखो तो वहां पे हम स्पाइडरमैन को देख सकते हैं, जो किंग के इंस्टाग्राम डीपी से लिया गया है। बांद्रा में खुद का वे, मैं अपनी खुद की रास्ता बना रहा हूँ, वीजी बचकाने में कार्टर हूँ। वीजी मतलब लिल वेन, और कार्टर जो लिल वेन का एल्बम है उसे यहाँ पे रेफर किया गया है। उसके साथ साथ अगर तुम यहाँ पे क्लेवरली देखो ना, तो एक यहाँ पे हिडन लेयर भी है। सो किंग ने अपने ट्रैक में एमिनेम के नाम को पॉइंट आउट किया था कि तुम्हारा नाम जो है वो दो आर्टिस्ट के नाम से बना हुआ है, एमिनेम एंड लिल वेन। सो लिल वेन का यहाँ पे तो हमें नेम ड्रॉप देखने को मिल गया, जैसे एमिवे बोल रहे कि मैं अपने लिए वे बना रहा हूँ, वे लिल वेन को रेफर किया जा रहा है, वीजी जो कि अगेन लिल वेन का निकनेम है, और साथ में अगर तुम कुछ बार पीछे जाओ तो ओजी स्पाइडरमैन को मेंशन किया गया है, ओजी स्पाइडरमैन मतलब टोबी मैग्वायर। और अभी हमें रिसेंटली एमिनम का ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था टोबी, सो एमिनम एंड वेन का यहाँ पे क्लेवरली रेफरेंस दे दिया है एमवीवे वनटाई ने इन द काउंटर ऑफ किंग्स बार, जहाँ पे किंग ने एमवीवे की नेम को पॉइंट आउट किया था। रियली रियली गुड। हाँ मैं भी किसी को जाम करने की बात करता, मैं जहाँ होता हूँ वो जगह तू ना शट डाउन। अगेन यहाँ पे एमवीवे काउंटर कर रहे हैं बीकेसी वाले बार को कि हाँ मैं बीकेसी को जाम करने की बात करता, पर मैं जहाँ पे शो करता हूँ वहां पे तू शट डाउन कभी नहीं कर पाएगा। बीकेसी में भले ही कर ले, बट मैं बहुत जगह पे शट डाउन कर सकता हूँ मुंबई में, तू हर जगह नहीं कर पाएगा। करता याद है स्पॉटिफाई जितने मैं हुआ बुक, तू उतना पैसा लेने वाले चुत्तड़ को मैं ना काउंट कर। मे बी यहाँ पे स्पॉटिफाई रैप 91 वाले फेस्टिवल को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि भाई जितने में तू वहां पे बुक हुआ था ना वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट होगा, शायद एमवीवे को सूत्रों से पता चला होगा। तो एमवीवे बोलते कि जितने में तू वहां पे बुक हुआ था ना, तो उतने कम में जो आर्टिस्ट वहां बुक होता है मैं वैसे सी को काउंट भी नहीं करता हूँ। अगेन दिस इज काइंड ऑफ ए काउंटर। किंग ने अपने डिस्ट्रैक्ट में ये बताया था कि एमवीवे वनटाई को शोज नहीं मिलते हैं क्योंकि एमवीवे वनटाई शोज के लिए बहुत ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं। एमवीवे यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं कि भाई मेरी एक मार्केट वैल्यू है, मैं उतना पैसे डिमांड करता हूं, तुम्हारे जैसा नहीं हूं कि भाई पैसे नहीं मिले तो जितना कम से कम पैसा मिले उतना मैं शो कर देता हूं, जैसे तुमने स्पॉटिफाई वाले इवेंट में शो किया था कम पैसे में। इंटरव्यू में देखा झाड़ू तेरी सूरत है, करियर तेरा खालू, देखता नहीं हूं सही मुहूर्त में। अगेन यहां पे किंग के रीसेंट इंटरव्यू प्रखर के प्रवचन के साथ जो आया है उसे पॉइंट आउट किया जा रहा है, और एमवीवे बोल रहे हैं कि मैं तेरा करियर खा लूंगा। पता नहीं ये खा लूं मुझे कालू क्यों लगा था स्टार्टिंग में, आई वॉज लाइक भाई
कलर पिक में जा रहे हैं एमयू बंटाई, बट खालू है, कालू नहीं है। और एमयू बोलते हैं कि करियर खाने से पहले मैं मूरत नहीं देखता हूँ, मैं कभी भी ये काम कर सकता हूँ। कभी भी क्या बोला, मुझे लड़कों की जरूरत है, जरूरत है, पैरा देने क्या करूँ, इतना शोहरत है। अगेन यहाँ पे काउंटर है किंग के बार का। अपने ट्रैक में किंग ने बोला था कि तुझे लड़कों की जरूरत है, तो एमयू क्लेवरली काउंटर करते कि हाँ जरूरत है मुझे लड़कों की, मुझे सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि मेरे पास शोहरत इतना ज्यादा है। लुगाई जैसा चेहरा तू यहाँ पे फाइन नहीं है, हिप हॉप में पटेली तू, एमवी डिवाइन नहीं। यहाँ पे एमवी ने डिवाइन को शाउट आउट दिया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम्हारा लुगाई जैसा चेहरा है, तू हिप हॉप में फाइन नहीं है, और तू हिप हॉप में पटेली क्यों कर रहा है, तू एमवी या फिर डिवाइन नहीं है। अच्छा लग रहा है भाई यूनिटी देख के मुंबई हिप हॉप सीन में, ठीक है, डिवाइन और एमवे की रियली नहीं है। काउंटर किधर पिछले गाने का झाड़ू होगा, मैं मचा रहा तू लेके आ रे लाइक भी लाइन नहीं है। यहाँ पे एमवे बात कर रहे हैं कि किंग के साइड से हमें कोई भी काउंटर देखने को नहीं मिला था। उनके पहले ट्रैक रोको 2MG का किंग ने काउंटर नहीं दिया है। दिया काउंटर मैंने, वो भी 24 घंटे में, फूंक डाला तेरे जैसे कितने आए अंटे। यहाँ पे एमवे बोल रहे कि मैंने 24 घंटे के अंदर ही तुम्हारे डिस्ट्रैक्ट का काउंटर दे दिया और तुम्हें डिमोलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। गाने में खाली तू दे रहा खाली झूठ झूठ झूठ, बंटाई को लगेगी भूख, चल तू छंटे बे। यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे किंग के ऊपर कि तूने जो भी चीजें बोली है अपने डिस्ट्रैक्ट में वो सारी झूठ है, और बंटाई को लगेली भूख, यू नो ये लाइन कहाँ से आ रही है। एल्बम चलाने तूने किया मुझे डेस, मेरे नाम पे हर जगह पे लेने लगा हाई पी। यहाँ पे मैं बोल रही कि अपने एल्बम को हिट कराने के लिए तूने मेरे को डिस किया था, और मेरा नाम लेके तू हाइप ले रहा है। और यहाँ पे मैं बहुत ही क्लेवरली अपने नाम को फ्लिप कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम से मतलब आई मीन इट, तूने घर भी लिया है EMI पे। मेरे नाम से जब बोल रहा हूँ आई मीन इट, घर भी लिया है चोको तूने EMI। EMI मतलब जिससे हम कोई चीज बाई करते हैं, EMI एंड ऑल्सो EMI एमवे का इनिशियल, EMI मतलब एमवे का नाम लेके तूने पैसा कमाया है और उससे घर लिया है। चोको कड़क हूँ मैं, तू है नरम ढोकला, सब गाने मिली पार, तेरी चूतड़ जैसी सूरत है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सिंपल बार। बदसूरत पोस्ट जो तेरे इंस्टा से गायब है, ना खरीदा हुआ स्ट्रीम से ना दिखता खूबसूरत है। यहाँ पे एमवे बंटाई किंग के कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट को रेफर कर रहे हैं जो किंग ने अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया है। सो किंग ने अपने पुराने पोस्ट, बहुत सारे पुराने पोस्ट को इंस्टाग्राम से हटाया है, और साथ में एमवे बोल रहे हैं कि इनको खरीदा हुआ स्ट्रीम्स बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इतना क्वांटिटी में दिया मैंने क्वालिटी, अपोलॉजी तू मांगेगा फाड़ूंगा तेरी छूतड़ में। अगेन यहाँ पे काउंटर है, किंग ने बोला था कि भाई एमवे बंटाई जो है वो सिर्फ क्वांटिटी देते हैं, क्वालिटी नहीं है, तो उसी को यहाँ पे एमवे काउंटर कर रहे और बोल रहे तू अपोलॉजी मांगेगा जो तुमने बात बोली थी उसके लिए, नहीं तो मैं तुम्हारी, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, ये स्पैंक नहीं करूंगा, मतलब फाड़ दूंगा। कटेला पंख लेके पिंजरे में तू कब से मैं चोको, तू बस लेबल का एक पाला हुआ कबूतर है। यहाँ पे एमवे बंटाई किंग को एक कबूतर रेफर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू पिंजरे में बंद है और तुम्हारा पंख भी कटा हुआ है, तू अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, जो लेबल तुझसे करवाएगा तू वही चीजें करेगा। इंडिपेंडेंट कार्ड नहीं खेलता मैं, खुद गड्डी हूँ, कच्चा पहन के घूम रहा है मार्केट में बाबू चड्डी। अगेन यहाँ पे किंग के ट्रैक का रेफरेंस है भाई, हर बार में ही काउंटर दे रखा है एमवे बंटाई ने। किंग ने अपने डिस्ट्रैक में बोला था कि एमवे इंडिपेंडेंट कार्ड खेल रहे हैं, तो एमवे बोलते हैं मैं इंडिपेंडेंट कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, मैं पूरी की पूरी कार्ड की गड्डी हूँ। और साथ में बोल रहे हैं कि तू कच्चा पहन के मार्केट में घूम रहा है, तू चड्डी है, कच्चा की बात अगेन किंग ने करी थी। लड़क रहा नाड़ा है कच्चा, हाइट से ज्यादा देखे कौर नंदू, मेरा बंदू हाथ में लेके आ रहा है। और यहाँ पे एमवे ने अपने डिस्ट्रैक की RL साइन को रेफर किया है, कृष्णा की डिस्ट्रैक को रेफर किया है। तो किंग ने ये बताया था कि किंग के चड्डी का साइज या फिर उनके पैंट का साइज एमवे के साइज से ज्यादा है। सो एमवे यहाँ पे बोल रहे हैं कि लटक रहा नाड़ा है और कच्चा हाइट से ज्यादा है, और एक नंदू, पहले नंदू कृष्णा दूसरे नंदू किंग, मेरा हाथ में लेके गा रहा है, क्या लेके गा रहा है, यू नो इंडिपेंडेंटली मैं कर दिया हूं लेवल पार, अगर तुझे कंपेयर करना है तो आ लेबल से बाहर। इंडिपेंडेंटली मैंने कर दिया लेबल पार, मैंने लेबल को क्रॉस कर दिया है, और अगर तुझे कम्पीट करना है मेरे से तो तू लेबल के बाहर आके कम्पीट कर, इंडिपेंडेंटली मेरे से कम्पीट कर। एल्बम फ्लॉप तेरा करियर को लगा दू हाथ, मिक्स मास्टर वीडियो बंटा स्टूडियो का सबसे हाथ। सो किंग ने अपने ट्रैक में अपने आर्टिस्ट, अपने टीम को रेफर किया था, ये बोलते हुए कि एमवी के जो मिक्स मास्टर होते हैं, वीडियो होते हैं, वो खराब होते हैं और मेरी टीम से करवा लो। तो एमवी बोल रहे हैं भाई तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट, खुद का एल्बम तो फ्लॉप हो गया है, और बंटा रिकॉर्ड का मिक्स मास्टर या फिर काम जो होता है वो सबसे हार्ड होता है, मुझे तुम्हारी टीम की जरूरत नहीं है। एमवी है यहाँ ऑलराउंडर, खुद की कंपनी में बचकाने तू को-फाउंडर। अगेन यहाँ पे किंग के बार को काउंटर किया है कि एमवी यहाँ पे ऑलराउंडर है और तू खुद के कंपनी में को फाउंडर है, मतलब तू ओन नहीं करता है अपने राइट्स को, लेबल करती है। चल चल औका देगा तेरी ये रहेगा कंपनी, मेरी तो नहीं जरूर तू ये रहेगा खुद की। एमवी बोल रहे कि तेरी क्या औकात है कि तू मेरी कंपनी ये रहेगा,
तू मेरी क्या छोड़, तू खुद की कंपनी गिराएगा मेरे साथ बीफ करके, मेरे साथ पंगा लेके तू अपना ही मजाक बनाएगा। अगेन यहाँ पे एमवी बंटाई किंग के फ्लो को मिमिक करते हुए नजर आते हैं। सो किंग ने एमवी के फिट का मजाक उड़ाया था। सो एमवी बोल रहे कि तू भाड़े का कपड़ा पहनता है और बोलता है कि लग्जरी ब्रांड्स। अजर खा मेरा बग्स बनी थोड़े दिन पहले ने, आज भी रस भाई खा से तेरे जैसे गधे को खड़ा नहीं करते पास। ले गाजर खा मेरा बग्स बनी। सो किंग ने बंटी बुलाया था एमवी बंटाई को। सो बग्स बनी अगेन एमवी और कृष्णा वाले बीफ में भी बग्स बनी का नाम आया था, तो उसी को यहां पे रेफर किया है एमवी बंटाई ने। सो किंग ने बोला था कि एमवी अपना आइडल चेंज करते हैं, पहले रस आइडल था अब एनएफ है, तो उसी को काउंटर किया है कि आज भी रस खास है और तेरे जैसे गधे को हम आसपास खड़ा भी नहीं करते अपने सामने। कौन बोला मैं लापता, हर महीना तेरा बाप खड़ा तुझे से रैपल डांट जा क्यों मेरे सामने काप। एंड अगेन किंग ने बोला था कि एमवी बंटाई लापता होते हैं, गाना ड्रॉप करते हैं, कुछ रैपर को डांटते हैं मतलब डिस करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो उसी को यहाँ पे एमवी काउंटर कर रहे हैं कि किसने बोला कि मैं लापता रहता हूँ, हर महीने में गाने डालता हूँ और तेरे जैसे रैपर, और रैपर को एमवी बंटाई ने WRAPPER लिखा हुआ है, अगेन जो हमें रॉको 2MG में देखने को मिला था जहां पे रैपर बुलाया था किंग को। सो एमवी बोल रहे हैं हमें डांटता हूँ पर तेरे जैसे रैपर को डांटता हूँ और तेरे जैसे रैपर मेरे सामने कांपते हैं। बनाया नई आईडी एक जैसे हुआ है हाल क्या, जब पूरा दूंगा चोको तो भागेगा यहाँ से हाफ। यहाँ पे किंग के नई आईडी को रेफर किया जा रहा है कि एक डिस की वजह से नई आईडी बना ली है, तो भाई अब आगे क्या होगा, आगे मतलब किंग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे एमवी के डिस को। मैं करता नहीं सेविंग्स, इन्वेस्ट करता जितना छापता, सेविंग्स के बारे वही सोचे जो कम पैसे है छापता। अगेन यहाँ पे एमवी ने किंग का रिप्लाई किया है कि मैं सेविंग्स नहीं करता हूँ, मैं जो भी कमाता हूँ इन्वेस्ट करता हूँ, अपने गानों पे लगाता हूँ, ठीक है, और सेविंग्स के बारे में वही सोचते हैं जो कम पैसे कमाते हैं, मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। मैं डिस रैपर हूँ तब से जब से नया तेरा बाप ताना, अच्छा रैपर साथ का तू रैपर मेरे झाट। सो किंग ने एमवी को कॉल आउट किया था कि वो पिछले 5 साल से डिस करके फेमस हुए है, तो एमवी उसी का रिप्लाई कर रहे कि मैं डिस रैपर बहुत पहले से हूँ, बस पिछले 5 साल से नहीं हूँ। तेरे गाने जिंदा कलते मुझसे भिड़ के लाशे आज का, तू कट रहा है बेबच खाने गिनती रख ले जा मैक्स का। और फिर एमवी किंग के ट्रैक्स को रेफर करते हैं और बोलते हैं कि तू कट रहा है, तू हलाल हो रहा है और इस वजह से मैक्स की गिनती रख ले। तू रैप नहीं कर सकता है, कभी नहीं, लूज मोशन हो रहे थे को इंटरव्यू में खोटा बकता है। अगेन यहाँ पे एमवी का फ्लो स्विच होता है एंड अगेन यहाँ पे किंग को मिमिक करते हैं, वही सेम फ्लो एमवी यूज करते हैं और बोलते हैं कि तू रैप नहीं कर सकता है, तुझे लूज मोशन हो रहे हैं फ्लश व्हाट दे से, जो मैंने ऑलरेडी रॉको टो में एक्सप्लेन किया था, तुझे लूज मोशन हो रहे हैं और तू इंटरव्यू में इस वजह से शिट कर रहा है। सब नीचे से करते हैं लेकिन देखो बाबू यह हमारा साला यहाँ तो मुंह से ही हकता है। सिंपल लाइन से समझाने की जरूरत नहीं है। लाइन छापेगा लगा किसे दिखेगा नहीं, मुझसे हारे उनके लाइन से जीतेगा नहीं। यहाँ पे एमवी किंग के कृष्णा वाले लाइन को रेफर कर रहे हैं कि भाई जो मुझसे हारे हैं उनके लाइन को तू रेफर कर रहा है, उनके लाइन को तू चोरी करके यूज कर रहा है। खुद की मुड़के चाट ले बेटा किसी और का नहीं, तू सबकी मुड़के चाटे बाबू बिजी यार तो नहीं। दिस वन इज सिंपल लाइन, समझ में आ गया होगा। इसके बाद यंग गालिब को रेफर करते हैं और बोलते हैं कि यंग गालिब की तुमने इसलिए तारीफ की थी क्योंकि तुमने यंग गालिब और कर्मा वाला बीफ देखा था और तुम्हें यंग गालिब से डर लगता है। गालिब का देखा बीफ इसलिए तू है चूसती, बाकी के आर्टिस्ट घुस जाएंगे बन जाएगा चूसली। अगेन इस चीज को मैंने लास्ट डिस्ट्रैक्ट में मिस कर दिया था। सो एमवी बंटाई के छोटे भाई बी ब्रेक को बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो जूस वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं एंड इवन वो साउंड और उनका लुक जो है ना वो जूस वर्ल्ड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो एमवी बंटाई बोल रहे हैं अगर अगली बार तू जूस पे गया वो जूस नहीं है, वो मेरा भाई वी ब्रेक है, और अगर अगली बार तू उस पे गया तो एमवी नहीं बख्शेंगे। भाई मेरा जूस नहीं वो वी ब्रेक है, उस पे फिर से तू गया तो बेटा जुआ पे ना कोई ब्रेक है। अगेन यहाँ पे सेम किंग के फ्लो को यूज किया जाता है और एमवी डिसकंटिन्यू करता है। सो किंग ने अपने डिस्ट्रैक्ट में बोला था कि एमवी का वो चोटी बना देंगे। सो एमवी यहाँ पे बहुत क्लेवरली बोलते हैं कि मेरे बाल खुल गए हैं बट नीचे के, और तू भी आ गया है छुटिया बनाने के लिए। सो इसके बाद भी ट्रैक आउटपुट देखने को मिलता है जहाँ पे एमवी जो है वो किंग के रिसेंट इंटरव्यू को ट्रॉल करते हैं। 100% और साथ में बोलते कि इस गाने में तूने कैप किया है, अगले गाने में और भी कैप कर, और इसके बाद सरप्राइजिंगली बिला को मेंशन करते हैं और बोलते हैं ये रैप शो है यहाँ रैप कर, और बिला ने एक बात बोली थी याद है कि नहीं, और साथ में बोलते कि बेला ने MTV हसल जीता था और तू ये बोलेगा कि मैं जिंदगी में जीत गया। हाँ तू जीत गया था बट बंटाई के सामने तू हार गया, और लास्ट बोल के खत्म करते हैं कि यू आर नॉट ए किंग यू आर अ क्लाउन। ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल डिस्ट्रैक्ट, हम लोगों ने कर लिया वॉक थ्रू। आ जाते हैं हम प्रॉपर रिव्यू के ऊपर, स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। म्यूजिक बनाया है मी मैक्स ने, रियली गुड प्रोडक्शन, आई रियली लाइक द होल प्रोडक्शन वाइब, और जो प्रोडक्शन है वो किंग के ट्रैक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है, तो आई थिंक मी मैक्स डिड रियली गुड जॉब हियर। आ जाते हैं हम एमवी बंटाई के परफॉर्मेंस में। सो दिस
इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। अगर ये डिस्ट्रैक पहले ड्रॉप होता, ऐसा डिस्ट्रैक अगर एमवे पहले ड्रॉप करते ना, तो ये बीफ अभी तक खत्म हो गया होता। एमवे वनटाई ने किंग को बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है, हर बार का काउंटर बहुत ही क्लेवर काउंटर विद मल्टीपल लेयर्स। ऐसा नहीं कि बस सिंपल बार एमयू वनटाई ने लिख दिया है, हर चीज को काउंटर किया है, बहुत ही क्लेवरली काउंटर किया है। और एमयू वनटाई सबसे जो मुझे अच्छी चीज लगी कि एमयू वनटाई स्ट्रेस्ड नजर नहीं आ रहे, वो बहुत ही काम नजर आ रहे हैं, जो किंग की साइड से अप्रोच देखने को मिला था मुझे लास्ट डिस्ट्रैक तक। अब एमयू वनटाई बहुत काम नजर आ रहे हैं, जो एमवे को एक अपर हैंड दे रहा है इस डिस्ट्रैक में। और टेक्निकली देखे, फ्लो वाइज देखे, दिस डिस्ट्रैक वॉज रियली रियली गुड। एमयू वनटाई ने अपना ए गेम फाइनली हमें दिखाया है। सो एक डिस्ट्रैक में जो चीजें होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सारे बॉक्सेस को ये डिस्ट्रैक चेक करता है। बहुत अच्छे से किंग को मिमिक किया है, किंग के ट्रैक को उसी वे में, उसी फ्लो में रिप्लाई किया है। मुझे वह ट्रैक बहुत सही लगा, ठीक है। एंड राइट नाउ आफ्टर दिस ट्रैक एमवे वनटाई हैज अ अपर हैंड इन दिस बीफ। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि किंग के पास अपर हैंड है, किंग के पास अपर हैंड था उस डिस्ट्रैक के बाद, बट इस डिस्ट्रैक से एमवे वनटाई ने इस बीफ में अपर हैंड ले लिया है। अब किंग को एक बहुत ही क्लेवर, बहुत ही बढ़िया रिप्लाई देना होगा, कुछ ऐसा रिप्लाई जो जिससे वो एमयू वनटाई के इस डिस्ट्रैक को आउट परफॉर्म कर पाए। और अगर ऐसा वो नहीं करते या डिस्ट्रैक ड्रॉप नहीं करते हैं, एमयू वनटाई विल सिंपली विन दिस बीफ। अगर किंग एक अच्छा रिप्लाई करते हैं, देन वी विल डिस्कस ये बीफ किधर जा रहा है। बट फॉर नाउ एमयू वनटाई विथ दिस स्पेसिफिक डिस्ट्रैक ही हैज अपर हैंड इन दिस बीफ। सो यस, राउंड टू इज ऑन। पहले राउंड को मेरे हिसाब से किंग ने डोमिनेट किया था, दूसरे राउंड में एमयू वनटाई डोमिनेटिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं ये बीफ किधर जाती है, क्या 24 घंटे के अंदर ही हमें किंग के साइड से रिप्लाई देखने को मिलता है या फिर नहीं, ये हमें पता चल ही जाएगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज द रिव्यू। तुम लोग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट इट डाउन। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।